वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। फ्रेंड्स, इसका पार्ट वन जो है, चैप्टर वन इंडेक्स नंबर का हम लोग स्टडी कर चुके हैं। नाउ इट इज़ पार्ट टू। जो पार्ट वन है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू मस्ट वॉच इट। उसमें मैंने थियोरी और सम्स को काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। आप लोगों ने सभी ने उसको लाइक और शेयर किया, थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट टू। सो एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड सम है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द रिटेल प्राइसेस ऑफ सुगर इन अ सिटी, फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस बाय चेन बेस मेथड। ये मेथड याद रखना, चेन बेस मेथड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले सम देख लीजिए, तो उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द करेंट ईयर एंड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द प्रीसीडिंग ईयर। तो इसमें हम जो है बेज ईयर के रूप में प्रीसीडिंग ईयर जो है उसकी वैल्यू को लेते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कीप इन योर माइंड। तो देखिए, हम 2008 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका कोई प्रीसीडिंग ईयर नहीं है, यहां से हमारी शुरुआत हो रही है डेटा की। तो इसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो होगा 100। वाई? बिकॉज द यहाँ पे इसका कोई भी प्रीसीडिंग ईयर नहीं है, तो करंट ईयर भी 28 होगा और बेस ईयर भी 28 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना होगा 100। फिर आगे क्या करेंगे, करंट ईयर की प्राइस है आपकी 28.5, प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग ईयर है पिछला वर्ष, इसे हिंदी में कहते हैं परंपरित आधार की रीत। बराबर, परंपरित आधार की रीत, सॉरी परंपरित आधार कहते हैं क्योंकि इसमें परंपरा का पालन करते हैं। परंपरा यानी बेटा जो है वो बाप को फॉलो करता है। यहाँ पे बेटा है आपका 28.5 और इसका बाप कौन है 28, अपॉन में आ जाएगा 28। क्लियर? आगे देखिए, यहाँ करंट ईयर का प्राइस है आपका 29.5, बेस ईयर का प्राइस हो जाएगा लास्ट ईयर वाला 28.5 मल्टीप्लाई बाय 100, 103.5। करंट ईयर का प्राइस है 30 और प्रीसीडिंग ईयर लास्ट ईयर का 29.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। करंट ईयर का 31, लास्ट ईयर का 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। करंट ईयर का प्राइस है आपका 32, इसके नीचे आएगा प्रीसीडिंग ईयर पिछले वर्ष की वैल्यू, दो 2012 की वैल्यू 31 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरह करंट ईयर है आपका 34, इसके नीचे इसका पिछला वर्ष आएगा यानी 32। करंट ईयर है आपका 36, इसके नीचे इसका पिछला वर्ष आएगा यानी 34 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आएगा 105.88। चेन बेज मेथड में आपको इतना दिमाग में रखिएगा कि इसमें जो पिछले लास्ट ईयर है, इसके जस्ट पीछे वाला ईयर है, उसको हम बेज ईयर के रूप में लेते हैं। तो आई एम श्योर ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू एडवाइस यू कि आप लोग पेन और पेपर लेके बैठिए, नोटबुक लेकर बैठिए और सम साथ में करते जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए, तो सब चीज आपके जहन में उतर जाएगी। मेरिट ऑफ चेन बेस मेथड, फ्रेंड्स आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि मैं आपको थियोरी भी क्लियर करूंगा। तो द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्टिंग द बेस ईयर डज नॉट अराइज इन दिस मेथड बिकॉज एट एनी गिवन टाइम द प्रीसीडिंग ईयर इज टेकन एज द बेस ईयर। इससे पहले हमने बेस ईयर जो मेथड देखा था, फिक्स बेस मेथड, उसमें क्या होता था कि आपको बेस ईयर सिलेक्ट करना पड़ता था एंड इट वॉज अ टफ टास्क। जबकि यहाँ पे जो बेस ईयर सिलेक्ट करने का जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहता, क्योंकि हर वर्ष का पिछला वर्ष उसका बेस ईयर ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो इन शॉर्ट, बेस ईयर को सिलेक्ट करने का जो प्रॉब्लम है इस मेथड में नहीं रहता। दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर शॉर्ट टर्म कंपेरिजन ऑफ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द करेंट पीरियड एज द प्रीसीडिंग ईयर इज टेकन एज द बेस ईयर। ये जो मेथड है ये शॉर्ट टर्म कंपेरिजन के लिए प्रॉपर है, क्योंकि इसमें जस्ट पिछले वर्ष की हम लेते हैं वैल्यू को, इसलिए ये शॉर्ट टर्म वाला जो कंपेरिजन होता है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज द कंपेरिजन इज विद द प्रीसीडिंग ईयर, न्यू आइटम्स कैन बी इंक्लूडेड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड चॉइस ऑफ द कंज्यूमर्स। इट इज पॉसिबल टू रिमूव द आइटम्स नॉट इन यूज। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बदलते हुए वक्त के साथ साथ
आप कंज्यूमर के टेस्ट और चॉइस के हिसाब से नई आइटम्स को इंक्लूड कर सकते हो, और जो आइटम्स आउटडेटेड हो गई है उनको आप क्या कर सकते हो, रिमूव। यानी इस तरह से जो हमको डेटा मिलता है इट इज 100% रिलायबल। दिस मेथड इज यूजफुल इन द फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। इकोनॉमिक्स, ट्रेड एंड कॉमर्स में ये बहुत ही उपयोगी है, एज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द करेंट पीरियड इज कंपेयर्ड विद द पीरियड इन द रिसेंट पास्ट। यहाँ पे जो कंपेरिजन होता है दोस्तों, ये डिस्टेंट पास्ट से नहीं होता। जो भी कंपेरिजन होता है करेंट ईयर का, हम किससे करते हैं, रिसेंट पास्ट से। तो इसके द्वारा क्या होता है कि हमको जो इकोनॉमिक्स, ट्रेड में कोई भी डिसीजन लेना हो तो दिस डेटा इज मोर रिलायबल, क्योंकि इसमें जो भी कंपेरिजन होता है वो किससे होता है, रिसेंट पास्ट पीरियड से। डीमेरिट्स ऑफ चैन बेस्ड मेथड, मेरिट के साथ साथ कुछ डीमेरिट्स हैं। दिस मेथड इज नॉट कन्वीनियंट फॉर लॉन्ग टर्म कंपेरिजन। अगर कंपेरिजन काफी लंबे टर्म के लिए करना हो तो ये जो मेथड है ये कन्वीनियंट नहीं है। इफ देयर इज एन एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर बाय दिस मेथड, देन द इफेक्ट ऑफ दैट एरर कंटिन्यूस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडेक्स नंबर ऑफ द सक्सेडिंग ईयर। सपोज कि आपने बीच में किसी वर्ष का जो वैल्यू है वो डेटा कलेक्ट करने में आपने मिस्टेक कर दी है, तो वो एरर की जो इफेक्ट है आने वाले सभी वर्षों पर पड़ेगी। यानी कि एक मिस्टेक के कारण जो आने वाले वर्षों की जो कैलकुलेशन है पूरी रॉन्ग हो जाती है। इसलिए इसमें जो डेटा कलेक्ट करना पड़ता है वो पूरी तरह से ऑथेंटिक होना चाहिए। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन दिस कॉम्पिटिशन ऑफ इंडेक्स नंबर ऑप्टेन बाय दिस मेथड। इस मेथड के द्वारा हमको जो यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलती, ये इसका सबसे बड़ा शॉर्टकमिंग है। इफ द इंफॉर्मेशन फॉर अ ईयर इज नॉट अवेलेबल, देन द इंडेक्स नंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर कैन नॉट बी ऑप्टेन। फॉर एग्जाम्पल, हमको 2010 से लेके 2020 तक का हमको डेटा निकालना है चेन बेस मेथड के द्वारा, और बीच में 2015 का जो डेटा है वो मिसिंग है। तो उसके बाद उसके कारण क्या हुआ कि आप 2016, 17, 18 इन सब का डेटा हम नहीं निकाल पाएंगे। ये इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें डेटा एक भी वर्ष का मिसिंग हो तो काफ़ी समस्या खड़ी होती है। एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ सम है, द प्राइस ऑफ 5 फ्यूल रिलेटेड आइटम्स इन द ईयर 2012 एंड 14 आर एज फॉलोज। कैलकुलेट द जनरल इंडेक्स नंबर, कीप इन माइंड जनरल इंडेक्स नंबर निकालना है, और इसमें 2012 को हमको क्या लेना है, बेस ईयर, ये भी याद रखिएगा, एंड स्टेट द ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल आइटम्स, और ओवरऑल इंक्रीज भी हमको दर्शाना है, ये चीज को भी ध्यान में रखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द सम, ये हमारा सम है, ओके अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखियो फ्रेंड्स, 2012 की जो प्राइस है वो जाएगी P0, और 2014 की जो प्राइस है वो जाएगी P1। ये तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। इसमें हमको क्या करना है, जनरल इंडेक्स निकालना है। तो क्या करेंगे, करंट ईयर की प्राइस है 3.5, बेस ईयर की है 3, कितना आया 1.1667। यहाँ करंट ईयर का प्राइस आपका 370, बेस ईयर है 345, 370 अपॉन 345, 1.0725। करंट ईयर का प्राइस है आपका 1.50 और बेस ईयर का है 1, तो ये जगह आपका 1.5। करंट ईयर की प्राइस है 20, बेस ईयर की 15, ये हो जाएगा 1.33। करंट ईयर का प्राइस है 15, बेस ईयर का है 12, ये हो जाएगा 1.25। ओके, हम जनरल इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं फ्रेंड्स। ऑलरेडी मैं ये आपको क्लियर कर चुका हूँ, जनरल इंडेक्स कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिग्मा P1 अपॉन P0, इन सब जो पांचों को हमने एडिशन किया तो हमको मिला 6.3225। और जनरल इंडेक्स का फॉर्मूला है सिग्मा P1 P0 डिवाइडेड बाय N इंटू 100। तो आपका ये सिग्मा P1 P0 6.3225 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, ये आएगा 1.2645 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो जाएगा 126.45। क्लियर। अब हमसे ये भी पूछा था कि ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ है, वो भी हमको इंडिकेट करना है।
तो अब क्या करेंगे, देखो, इट कैन बी सीन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर आई दैट देयर इज एन ओवरऑल राइज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल आइटम्स बाय 26.45। देखिए फ्रेंड्स, जो कोई भी इंडेक्स नंबर है जिसके साथ हम कंपेरिजन करना है उसको कितना लेते हैं, 100। हमारा जनरल इंडेक्स नंबर है 126.45, उसमें से 100 माइनस कर देंगे कितना मिलेगा आपको, 26.45, यानी कि इतने परसेंट की राइज हुई इन द इंडेक्स नंबर। क्लियर फ्रेंड्स, द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन द एनुअल एवरेज प्राइस ऑफ वीट राइस एंड सुगर इन द होलसेल मार्केट ऑफ ए सिटी, फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ द थ्री आइटम्स बाय फिक्स बेस मेथड विथ बेस 2011। या हमको 2011 को फिक्स बेस मेथड के रूप में यूज करना है और उससे हमको जनरल इंडेक्स नंबर निकालना है। ये समय है आपका, लेट्स स्टार्ट। पहले हम फिक्स बेस मेथड से निकाल रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो 2011 है ये यहां से शुरुआत हो रही है, तो इसका जो इंडेक्स होगा वो तो हम 100 लेंगे। हमको फिक्स बेस मेथड का उपयोग करना है तो यहां पे जो 2011 की जो प्राइस है वो बेस ईयर की प्राइस हो जाएगी फॉर ईच एंड एवरी डेटा। तो देखिए, करंट ईयर का प्राइस है 2012 में 18.5, बेस ईयर का है 18 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आया, 102.78। देखिए यहाँ पे जो आप सम देख रही है, टैक्स बुक लेके साथ में बैठी है, 2011 की जो प्राइस थी वीट की कितनी थी, 18। तो हमने इसको बेस ईयर लिया है तो यानी सबके अकाउंट में आप क्या लिखोगे, 18। तो करंट ईयर का प्राइस है आपका 18.5 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100, या करंट ईयर का 18.9 डिवाइडेड बाय बेस ईयर का प्राइस 18 इंटू 100। करंट ईयर का प्राइस है आपका 19, बेस ईयर का प्राइस आपका 18 इंटू 100। करंट ईयर का 19.5 डिवाइडेड बेस ईयर का 18 इंटू 100। क्लियर। अब राइस को देखो, ये तो शुरुआत का वर्ष है, इट इज द बेस ईयर, तो बेस ईयर का जो इंडेक्स है हमेशा 100 होता है। एज आई हैव टोल्ड यू कि जो बेस ईयर का जो इंडेक्स है इट विल बी ऑलवेज 100। तो ये तो आपका इसकी प्राइस दी है 30, लेकिन इसका इंडेक्स होगा 100 बिकॉज दिस इज द बेस ईयर। अब क्या करेंगे, करंट ईयर का प्राइस है 2012 में 36, बेस ईयर का 30 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आया, 120। आगे देखिए, करंट ईयर का प्राइस है 38, बेस ईयर 30 मल्टीप्लाई बाय 100, 126.67। करंट ईयर का है 30, बेस ईयर का 30 इंटू 100, यहाँ पे करंट ईयर का 39, बेस ईयर 30 रहेगा इंटू 100 130। शुगर का 2011 में रहेगा 100 इंडेक्स बिकॉज इट इज द बेस ईयर और इसकी प्राइस थी 30 शुगर की प्राइस। तो क्या होगा, करंट ईयर का प्राइस है आपका यहाँ 31 अपॉन बेस ईयर का प्राइस इंटू 100 103.33। यहाँ पे करंट ईयर 32, बेस ईयर 30 मल्टीप्लाइड बाय 100। करंट ईयर आपका 34, बेस ईयर 30 इंटू 100। करंट ईयर 36, बेस ईयर 30 इंटू 100 कितना आया, 120। तो इस प्रकार से हमने सभी आइटम्स का जो इंडेक्स है वो निकाल लिया फॉर एवरी ईयर, बट वी हैव टू फाइंड आउट द जनरल इंडेक्स नंबर। तो हम क्या करेंगे, ये जो इंडेक्स आया है 2012 का, 13 का, 14 का, 15 का, इसका हम टोटल कर लेंगे। देखिए हम टोटल कर रहे हैं नाउ, बराबर। लेकिन हमको क्या करना है, जनरल इंडेक्स निकालना है। जनरल इंडेक्स निकालना है तो हम जो भी टोटल है उसको 3 से डिवाइड करेंगे। आप पूछोगे वाई, 3 से क्यों डिवाइड करना, बिकॉज देयर आर 3 आइटम्स, 1 2 3, देयर आर 3 आइटम्स है, इसे जो भी टोटल आएगा उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। यदि टोटल आपका 4 होता है, 4 आइटम्स होती तो हम उसको 4 से डिवाइड करते। क्लियर फ्रेंड्स, 326.11 डिवाइडेड बाय 3, 338.34 डिवाइडेड बाय 3, 3435.6 डिवाइडेड बाय 3, 358.33 डिवाइडेड बाय 3। ओके फ्रेंड, तो ये इसको बोलते हैं जनरल इंडेक्स नंबर। ओके, हिंदी में इसको बोलते सामान्य औसत। अब फ्रेंड्स, हमको चैन बेस मेथड का उपयोग करना है सेम सम में, उसी सम में हमको चैन बेस मेथड का उपयोग करना है। मैंने आपको एग्जांपल बताया है
चैन बेस मेथड में जो प्रीसीडिंग ईयर है उसको हम बेस के रूप में लेते हैं. आई हैव टोल्ड यू. तो देखिए फ्रेंड्स, आई हैव टोल्ड यू फ्रेंड्स कि आप टेक्स्ट बुक रखिए कि ये वीट की प्राइस यहाँ पे थी 18 रुपीज, बराबर. तो ये तो बेस ईयर है, ये तो 100 होगा क्योंकि इसका प्रीसीडिंग ईयर कोई है ही नहीं. नाउ करेंट ईयर का प्राइस है 18.5, बेस ईयर का 18 मल्टीप्लाइड बाय 100, 102.78. यहाँ पे करंट ईयर का है 18.9, बेस ईयर का प्राइस ये आ जाएगा प्रीसीडिंग ईयर, सॉरी 18.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हुआ, 102.16. करंट ईयर का प्राइस 2014 में है 19, बेस ईयर का प्राइस ये रहेगा 2013 की प्राइस. P1 है आपका 19 जो 2014 की प्राइस है, P0 होगा आपका 2013 वाली प्राइस यानी 18.9. ओके, यहाँ करंट ईयर की प्राइस है आपकी 19.5 और बेस ईयर की प्राइस होगी 19 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 100, 102.60 यहाँ पे पॉइंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स. ओके, सो राइस की प्राइस वी नो कि यहाँ पे थी 30, तो यहाँ करंट ईयर का प्राइस है 2012 का था 36, बेस ईयर का प्राइस अपॉन में 30 मल्टीप्लाइड बाय 100 120. करंट ईयर का प्राइस आपका 38, बेस ईयर का प्राइस है आपका ये रहेगा 30 से 2012 वाली प्राइस यहाँ इसके अपॉन में आएगी मल्टीप्लाइड बाय 100. करंट ईयर का प्राइस है आपका 38 और बेस में आएगा ये प्रीसीडिंग ईयर यानी 2013 की प्राइस. यहाँ पे करंट ईयर का प्राइस है 39, बेस अपॉन में आएगा बेस ईयर यानी 2014 की प्राइस यानी 38. यहाँ पे शुगर की प्राइस से देखो फ्रेंड्स, आप टेक्स्ट बुक में देखिए सब 30 है. ओके, अब 2012 का निकालेंगे तो 2012 में प्राइस है 31, अपॉन में आएगा प्रीसीडिंग ईयर की प्राइस यानी कि 2011 की प्राइस यानी अपॉन में आएगा 30. यहाँ पे करंट ईयर का प्राइस है 32, प्रीसीडिंग ईयर यानी लास्ट ईयर 2012 की प्राइस आ जाएगी इसके अपॉन में 31. करंट ईयर का प्राइस है 34, लास्ट ईयर का प्राइस 32 इसके अपॉन में आ जाएगा. करंट ईयर का प्राइस है 36, अपॉन में आएगा प्रीसीडिंग ईयर का प्राइस 34. ओके, इस तरह से हमने सबका चैन बेस मेथड से इंडेक्स निकाला. अब उसके बाद हम सबका टोटल करेंगे, टोटल कर दिया मैंने, बट वी हैव टू फाइंड आउट जनरल इंडेक्स नंबर. सो जो भी टोटल आया है उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे. वाई, बिकॉज देयर आर 3 आइटम्स, 1 2 3, 3 आइटम्स है इसलिए जो भी टोटल आएगा उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे. 300 डिवाइडेड बाय 3, 326.11 डिवाइडेड बाय 3, 310.95 डिवाइडेड बाय 3, 306.78 डिवाइडेड बाय 3, इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे. ओके, 3 से डिवाइड करने का रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, बिकॉज देयर आर 3 आइटम्स. अगर 4 आइटम्स होती तो हम टोटल को 4 से डिवाइड करते. क्लियर फ्रेंड्स? ओके, आप अगर आपको समझने में तकलीफ, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको बार बार देखिए, देन एवरीथिंग बी क्लियर इन योर माइंड. नीड ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम फिक्स बेस टू चैन बेस एंड फ्रॉम चैन बेस टू फिक्स बेस. दोस्तों ऐसे सम्स आते हैं कि चैन बेस वाला जो इंडेक्स है उसको फिक्स बेस में बदलते हैं और फिक्स बेस वाला जो इंडेक्स है उसको चैन बेस वाले में बदलते हैं. व्हाट इज द नीड, इसकी जरूरत क्यों होती है? तो इफ द नीड अराइज टू फाइंड द शॉर्ट टर्म चेंज इन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फाइंड इट फ्रॉम द फिक्स बेस इंडेक्स. यदि फ्रेंड्स, एज आई हैव टोल्ड यू कि फिक्स बेस जो मेथड होता है इसका उपयोग हम काफ़ी लंबे टाइम का कंपेरिजन करना हो तो करते हैं. ओके, और आपको करेंट सिनारियो जानना है तो हम उसमें चेन बेस मेथड का उपयोग करते हैं. तो हमने फिक्स बेस मेथड से निकाल लिया है इंडेक्स, बट हमको शॉर्ट टर्म चेंज है उसको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, जो फिक्स बेस वाला जो इंडेक्स नंबर है उसको चेन बेस वाले में बदल देते हैं. इट इज़ इजियर टू फाइंड द शॉर्ट टर्म वेरिएशन आफ्टर कन्वर्टिंग द गिवन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर्स इनटू चेन बेस इंडेक्स नंबर. तो फ्रेंड्स, जब आप फिक्स बेस वाले इंडेक्स को चेन बेस्ड वाले इंडेक्स में बदल देते हो तो जो करंट चेंज है, जो शॉर्ट टर्म चेंज है, वो हमको बहुत ही जल्दी इजीली हमको मिल जाता है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं. क्लियर?
Second point is sometimes it is necessary to compare the value of the variable at given period to the value of the another period in a series of values of the variable. कई बार क्या होता है कि value of the variable की given period की दूसरे other अलग period से हमको तुलना करनी होगी. तो ऐसे में क्या होता है कि this is not possible if only chain based index numbers are available. तो बस जबकि chain based वाले में क्या होता है कि हम बेज के रूप में प्रीसीडिंग ईयर को लेते हैं. ख्याल आया आपको, 2020 का आपने इंडेक्स निकाला तो आपका प्रीसीडिंग ईयर होगा 2019 की प्राइस को आप बेस प्राइस के रूप में लेंगे. बट अगर आपको उसकी 2015 से कंपैरिजन करना हो देन इट इज नॉट अप्रोप्रिएट. तो उस कंडीशन में जो फिक्स बेस वाला जो हमारा इंडेक्स होता है उसको चेन बेस वाले इंडेक्स में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं. तो आई एम श्योर कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. कीप इन माइंड कि फिक्स बेस वाला जो है इसका हम डिस्टेंट पास्ट या पर्टिकुलर टाइम में जो कंपेरिजन करना है उसके लिए फिक्स बेस वाला हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है. बट अगर हमको शॉर्ट टर्म चेंज में फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमको चेन बेस मेथड ज़्यादा उपयोगी होता है, इसलिए हम इसका कन्वर्जन करते हैं. तो ये पॉइंट्स लिख लेना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आई हैव सोल्ड क्लियर यू एवरीथिंग. कन्वर्सन ऑफ फिक्स बेस इंडेक्स नंबर टू द चेन बेस इंडेक्स नंबर. फिक्स बेस को चेन में बदलना है, इट इज वेरी इजी, कोई समस्या नहीं है. फिक्स से चेन में जाना हो तो चेन यानी मैंने आई हैव टोल्ड यू कि चेन बेस को हिंदी में बोलते हैं परंपरित आधार की पद्धति. यानी आपको परंपरा का पालन करना है. आपको हर बार जो फिक्स बेज इंडेक्स है उसके अपॉन में प्रीवियस ईयर का जो फिक्स बेज इंडेक्स है उसको रख के 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. यानी वही पुरानी बात, परंपरा का पालन करना है. ये इंपॉर्टेंट नोट याद रखिए, इफ द बेज ईयर इज नॉट मेंशन देन वी विल टेक चेन बेज इंडेक्स नंबर फॉर द फर्स्ट ईयर 100. अगर आपको बेज ईयर नहीं दिया गया हो तो हम बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा 100 लेंगे, ऑलवेज. बट अगर आपको बेस ईयर का इंडेक्स दिया हो तो आपको वही वैल्यू रखनी होगी. ओके, इफ द बेस ईयर इज मेंशन्ड देन द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द फर्स्ट ईयर विल बी टेकन एज इट्स चेन बेस इंडेक्स नंबर. ओके, कन्वर्ट द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय द फिक्स बेस मेथड अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ क्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ ए स्टेट इनटू चेन बेस्ड मेथड. तो ये जो मेथड, ये जो है आपका इंडेक्स, ये कौन सा है? फिक्स बेस्ड. इसको हमको चेन बेस्ड में कन्वर्ट करना है. ओके, सो टेक्स्ट बुक आपके पास है, देखिए. देखिए तो यहां पे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको 2009 से पहले का कोई भी बेस ईयर नहीं दिया गया है. तो हम 2009 जो है इसी को बेस ईयर लेके चलेंगे. तो करंट ईयर का प्राइस आपका 120 और बेज भी 120 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना आएगा? 100. अब यहाँ होगा आगे 132 अपॉन में आएगा 120. प्रीसीडिंग आ जाएगा, प्रीसीडिंग फिक्स बेस का आपके इसके अपॉन में आ जाएगा. यहाँ देखिए करंट ईयर का है 96, प्रीसीडिंग ईयर का इसके अपॉन में आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100. करंट ईयर का आपका 144 अपॉन में आ जाएगा प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100. करंट ईयर 138 अपॉन में आ जाएगा प्रीसीडिंग ईयर यानी लास्ट ईयर. यहाँ आपका करंट ईयर है 108 अपॉन में आ जाएगा लास्ट ईयर 138 मल्टीप्लाइड बाय 100 आएगा 78.26. यानी आपको परंपरा का पालन करना है. चेन बेस को लेके आप टेंशन में मत रहिए. चेन बेस में ऑलवेज आप चाहे कन्वर्ट करो या फाइंड आउट करना हो, हम पिछले जो प्रीसीडिंग ईयर जो पिछला वर्ष है उसके इंडेक्स को लेकर के चलते हैं. ओके, कन्वर्ट द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय द फिक्स बेस मेथड विद द बेस ईयर 2008 अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ क्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ ए स्टेट इन टू द चेन बेस इंडेक्स नंबर. यहाँ पे एक फ्रेंड्स नोट करना कि यहाँ पे हमको बेस ईयर
दिया है, बराबर। तो ये फिक्स वेज है, इसको हमको किस में करना है, चैन बेज में, ओके। लेकिन यहां पे हमको बेज ईयर दिया है वो कितना है, 2008, तो इसको दिमाग में रखिएगा। इससे पहले वाले में बेज ईयर नहीं दिया था। तो यहां देखो लास्ट सम, इसमें क्या प्रॉब्लम आया, क्या डिफरेंस है, तो यहां देखिए करंट ईयर का है आपका 120, बेज ईयर हमको दिया है, बेज ईयर आपका 2008, तो बेज ईयर हमको इंडिकेट किया है। एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि बेज ईयर का इंडेक्स ऑलवेज कितना होता है, 100, इसलिए मैंने इसके अकाउंट में रखा 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना हुआ 120। फिर करंट ईयर 132, अब इसके बाद प्रीसीडिंग ईयर आ जाएगा 120, करंट ईयर 96 अपॉन में आ जाएगा प्रीसीडिंग ईयर 132 मल्टीप्लाइड बाय 100, करंट ईयर आपका 144 अपॉन में प्रीसीडिंग ईयर 96। बस चैन बेस में जो प्रीसीडिंग ईयर है, जो पिछला वर्ष है, उसको आपको लेकर के चलना है बेस बना करके, और सब चीजें बिल्कुल आसान है। आई एम श्योर ये भी आपको आ गया। इंपॉर्टेंट वस्तु यहाँ पे जो 100 मैंने लिखा है, इसको याद रखना। यहाँ पे हमारा बेस ईयर दिया था 2008, एंड आई हैव टोल्ड यू कि बेस ईयर का जो इंडेक्स होता है वो कितना होता है, 100, इसलिए मैंने 120 के अपॉन में क्या लिखा, 100। क्लियर। कन्वर्शन ऑफ चैन बेस इंडेक्स नंबर टू फिक्स बेस मेथड, है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। चैन बेस वाले को जब फिक्स बेस वाले में बदलना हो तो इसमें थोड़ा टफ होता है, इसको टफ इन द सेंस, इसको ध्यान में रखना आपको। इसका फॉर्मूला याद रखिए, चैन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर एंड फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ करंट ईयर, बराबर, डिवाइडेड बाय 100। तो इसको दिमाग में रखिएगा, मैं सम बताऊंगा तो आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेट्स गो अहेड। 1.2 का फोर्थ सम है, ये चैन बेस इंडेक्स नंबर है, इसको हमको फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है, ओके। ये फिक्स बेस्ड है, देखिए यहां पे 110 और उसके मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस इंडेक्स कितना लेंगे हम, 100, और अपॉन में 100 लिखना ही हमारा फॉर्मूला, देखिए अपॉन में आपको 100 लिखना ही है। और यहां मैंने 100 क्यों लिया, क्योंकि इससे पीछे का जो प्रीवियस ईयर है उसका इंडेक्स हमने कितना लिया, 100, तो यहाँ 110। अब आगे क्या कर रहा हूं मैं, करंट ईयर का प्राइस आया और इसमें मल्टीप्लाई किसको करेंगे, प्रीवियस ईयर का जो कन्वर्ट हुआ है उसको बदलेंगे, कन्वर्ट करने के बाद जो मिलता है उसको हम इसके में मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। करंट ईयर का आपका चैन बेस वाला ले लिया 120 इंटू जो कन्वर्टेड है उसको लिखेंगे। आगे देखिए, करंट ईयर है 109 इंटू जो कन्वर्टेड है 123.20 डिवाइडेड बाय 100, करंट ईयर 108 मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्टेड वैल्यू 134.29, करंट ईयर 105 कन्वर्टेड 145.03, करंट ईयर है 111 और इसके मल्टीप्लाई करेंगे जो कन्वर्ट हुआ है उसका। इन शॉर्ट ये याद रखिएगा फ्रेंड्स कि चैन से जब फिक्स में जाते हैं तो जो कन्वर्टेड वैल्यू है उसका हम लोग उपयोग करते हैं और उसको 100, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। अब नाउ स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग इंडेक्स नंबर, तो मेथड ऑफ वेटेड एवरेज पहला फॉर्मूला है, सेकंड लास्ट पियर्स फॉर्मूला, पासेस फॉर्मूला एंड फिशर्स फॉर्मूला, तीन चार फॉर्मूला आएंगे, एक एक करके हम लोग देखेंगे। मेथड ऑफ वेटेड एवरेज, सपोज आई इज द इंडेक्स नंबर ऑफ आईथ ग्रुप अमंग द ग्रुप्स ऑफ आइटम विद द वेट डब्ल्यू आई, देन जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ दिस ग्रुप्स इज ऑब्टेन यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रखिए, जनरल इंडेक्स नंबर सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो इसको फ्रेंड्स आप ये फॉर्मूला दिमाग में रख लीजिए, डब्ल्यू मीन्स वेट, ये याद रखिए। तो जब भी आपको सम दिया जाए और उसमें जो इंफॉर्मेशन दिया जाए, जो डेटा दिया जाए, उसमें अगर वेट शब्द आवे देन हमको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, नो अदर फॉर्मूला कैन बी
यूज ओके सब में वेट आवे परसेंटेज एक्सपेंडिचर आवे तो हम इसका उपयोग करते हैं ओके और ये याद रखिए आई आई का फॉर्मूला याद रखिए पी वन अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू पी जीरो क्यू जीरो ये दोनों चीजें याद रखिएगा कि इसको कैसे कैसे निकालते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लास्पियस फॉर्मूला सो दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय लास्पियर्स लास्पियर ने ये हमको फॉर्मूला दिया था इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इन दिस मेथड बेज ईयर प्राइस इज डिनोटेड बाय पी जीरो बेज ईयर का प्राइस को पी जीरो से डिनोट करते हैं और क्वांटिटी को क्यू जीरो से और प्राइस ऑफ द आइटम्स ऑफ द करेंट ईयर आर डिनोटेड बाय पी वन और इसकी जो प्राइस है उसको हम करंट ईयर की पी वन से डिनोट करते हैं और उसकी क्वांटिटी को क्यू वन से फॉर्मूला याद रखने पी एक्सपेंडिचर हुआ पी जीरो क्यू जीरो इज असाइंड बाय द वेट टू द प्राइस द फॉर्मूला ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर द सॉफ्टेंड इज कॉल्ड द फॉर्मूला ऑफ लास्पियर्स इंडेक्स विच इज डिनोटेड बाय आई एल इसको हम आई एल से डिनोट करते हैं तो फॉर्मूला याद रखिए सिग्मा पी वन अपॉन पी जीरो इंटू पी जीरो क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा पी वन क्यू जीरो ये फॉर्मूला हम इसका यूज करते हैं पर ये कहाँ से पैदा हो गया इसका बाप को नहीं याद रखिए बराबर ये इसका बाप है या क्या हुआ पी जीरो से पी जीरो कैंसिल हो गया था इसलिए फ्रेंड्स बराबर तो रहता है पी वन क्यू जीरो इसको दिमाग में रखिएगा फॉर्मूला हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं पर यह आया कहाँ से वो याद रखिएगा पास्चेस फॉर्मूला हरमन पास्चे दिस मेथड इज गिवन बाय एन इकोनॉमिस्ट नेम पास्चे पास्चे ने यह मेथड की हमको दिया था इफ वी डिनोट पी जीरो एज बेज ईयर प्राइस एज आई हैव टोल्ड यू कि बेज ईयर प्राइस को हमेशा हम पी जीरो से दर्शाते हैं करंट ईयर प्राइस को हम पी वन से दर्शाते हैं और करंट ईयर की क्वांटिटी को हम दर्शाते हैं क्यू वन से बराबर और एक्सपेंडिचर हो जाता है हमारा पी जीरो क्यू वन तो हमारा प्राइस रिलेटिव होता है पी वन अपॉन पी जीरो और इसका फॉर्मूला इस तरह से निकल के आता है ये फॉर्मूला याद रखिए सिग्मा पी वन क्यू वन अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू वन इंटू हंड्रेड स्क्रीन शॉट ले सकते हैं फ्रेंड या फिर आप नोटबुक में लिखिए मच बेटर फिशर्स फॉर्मूला द बेस ईयर एंड करंट ईयर क्वांटिटीज आर टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर कंप्यूटिंग द वेट इन लास्ट पेयर्स एंड पास्चेस मेथड रिस्पेक्टिवली तो पास्चे और लास्ट पेयर में हम बेस ईयर और करंट ईयर की क्वांटिटी को कंसिडर करते हैं बराबर वेट निकालने के लिए प्रोफेसर इविंग फिशर हैज कंस्ट्रक्टेड एन इंडेक्स नंबर बाय कंसीडरिंग क्वांटिटीज ऑफ बोथ ईयर्स तो इविंग प्रोफेसर फिशर ने जो दोनों ईयर्स है यानी करंट ईयर और बेज ईयर दोनों की क्वांटिटी को कंसीडर करते हुए दोनों का यूज करते हुए ये फॉर्मूला उन्होंने निकाला था इस फॉर्मूला को हम आई एफ से इंडिकेट करते हैं आई एफ इज इक्वल टू अंडर रूट आई एल इंटू आई पी और इस तरह से भी हम दर्शा सकते हैं ओके ये थियरी फैक्ट्स कई बार पूछी जा चुकी है फिशर्स इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड आइडियल इंडेक्स नंबर ओके सो क्वेश्चन में भी आज विच इंडेक्स नंबर इज आइडियल इंडेक्स नंबर सो फिशर्स इंडेक्स नंबर इज आइडियल इंडेक्स नंबर व्हाई क्या रीजन है सो द फिशर्स इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर आइडियल इंडेक्स नंबर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन द क्वांटिटीज ऑफ बोथ ईयर्स बेस ईयर एंड करंट ईयर्स आर टेकन इन कॉम्पिटिशन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर तो इसमें ये इंडेक्स नंबर बनाने के लिए हम बेस ईयर करंट ईयर दोनों की क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं दिस नंबर सेटिस्फाई बोथ द इंपोर्टेंस इंपोर्टेंट फंडामेंटल टेस्ट टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर यानी इंडेक्स नंबर के जितने भी टेस्ट है उसको ये सेटिस्फाई करता है वो टेस्ट क्या क्या है फंडामेंटल टेस्ट टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ये तीनों टेस्ट को ये जो फॉर्मूला है ये सेटिस्फाई करता है The geometric mean is used to calculate this index number.
विच इज द बेस एवरेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स. यहाँ हम किसका उपयोग करते हैं? जियोमेट्रिक मीन का, एंड इट इज द बेस्ट एवरेज. इसलिए इसे हम आइडियल इंडेक्स नंबर कहते हैं. दिस इंडेक्स नंबर इज फ्री फ्रॉम बायस एज इट इज बैलेंस द डिमेरिट्स ऑफ लास्ट पेयर एंड पास्ट शेष इंडेक्स नंबर. इस मेरिट इस मेथड में लास्ट पेयर और पास्ट शेष की इंडेक्स नंबर के जो भी डिमेरिट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि दिस फॉर्मूला इज बायस फ्री. नाउ अब मैं आपको सब्स बता रहा हूं जिसमें वेटेड एवरेज का यूज होता है. द इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्स डिफरेंट आइटम्स यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक आइटम्स इज एज फॉलोज. फाइंड द इंडेक्स नंबर एंड इंटरप्रेट इट. यहाँ पे हमको दिया है वेट. वेट को हम डब्ल्यू से इंटरप्रेट करते हैं. ओके, तो आई हैव टोल्ड यू कि फ्रेंड्स वेट आया, यानी अपने को वेट वाला फॉर्मूला उसका उपयोग करना पड़ेगा. सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू इंटू 100. ये जो आपका प्राइस रिलेटिव है इसको आई से दर्शाएंगे. तो परसेंटेज प्राइस रिलेटिव ये आपका आई हो गया, आई हैव टोल्ड यू. और वेट इसको हम डब्ल्यू से दर्शाते हैं. हम निकालेंगे सिग्मा आई डब्ल्यू. सिग्मा आई डब्ल्यू मीन्स आई में डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे. तो 295 into 5 आएगा 1450. 315 into 10 3150. 280 into 10 2800. 300 × 30 9000. 315 × 20 6300. 320 × 25 कितना आया? 8000. सबका टोटल कर लिया हमने. यहाँ पे W का भी आपको टोटल करना पड़ेगा. W का टोटल है 100 एंड दिस इज अवर फॉर्मूला. ओके, तो सिग्मा आई डब्ल्यू आपका है 30700 और सिग्मा W कितना है आपका? 100. इससे हम कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 307. क्लियर फ्रेंड्स? सो इट इज वेरी सिंपल. आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखिए, मच बेटर. अब हमको यहां पे पूछा था कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है. तो इंक्रीमेंट निकालने के लिए जो भी आपका इंडेक्स आता है उसमें से 100 को माइनस करते हैं. वाई? क्योंकि जो पुराना इंडेक्स है, जो बेस ईयर का इंडेक्स है, हम कितना लेते हैं? 100. इसलिए हमें हमेशा ऑलवेज 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, तो इंक्रीमेंट हुआ आपका 207% का इंक्रीमेंट हुआ. ओके, अब सेक्शन वन, सेक्शन एफ में जो सम पूछे जाते हैं बता रहा मैं. द डेटा अबाउट पर यूनिट प्राइस एंड वेट्स ऑफ फोर डिफरेंट आइटम्स फॉर 2014-15 आर एज फॉलोस. कंप्यूट द इंडेक्स नंबर ऑफ 2015. बरोबर? तो फ्रेंड्स ये सम देख लीजिए, यहां पे भी वेट दिया है. वेट मींस W, यानी आपको सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा W इंटू 100 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. सम देख के आपको आइडिया आना चाहिए कि हमको इसमें कौन सा मेथड निकालना है. तो यहाँ पे W आपको दिया है, I आपको निकालना पड़ेगा. I का मैंने बताया, I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100. ये I फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने का. ओके, सम देख लीजिए, आगे चलते हैं. तो फ्रेंड्स वेट आपको दिया है, I निकालने के लिए P1 अपॉन P0 इंटू 100. तो आपका P1 है 40, P0 है आपका 32 इंटू 100. कितना आया? 125. यहाँ पे आपका P1 है 100, P0 80 इंटू 100, 125. P0 आपका 30, P1 है आपका 30, करंट ईयर का प्राइस, बेस ईयर का प्राइस 24 इसके अपॉन में आएगा, इंटू 100. कितना आया? 125. करंट ईयर का प्राइस आया आपका 6, अपॉन में आएगा बेस ईयर का प्राइस 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 150. ओके, नाउ सिग्मा आई डब्ल्यू. सिग्मा आई डब्ल्यू यानी आई और ये डब्ल्यू दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. ख्याल आ रहा है दोस्तों आपको? तो क्या हो जाएगा? 125 into 40. बैग में आपको लिख देता तो ख्याल आ जाएगा. यहाँ पे आपका आई है 125, डब्ल्यू है आपका 40. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5000. फिर 100 into
125 इंटू 25 ये आएगा 3125, यहाँ आई है आपका 125 और डब्ल्यू आपका 20, तो हो जाएगा 2500। आपका आई है 150, डब्ल्यू है 15, मल्टीप्लाई करेंगे 2250, टोटल कर लीजिए ओके। और डब्ल्यू का भी टोटल करना पड़ेगा। अब हम फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला है सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। फॉर्मूला बार बार माइंड में रिपीट कीजिए, लिखिए, आपको हमेशा याद हो जाएगा। तो सिग्मा आई डब्ल्यू है आपका 12875 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा आपका 128.75। तो इस तरह से 2015 का जो इंडेक्स नंबर है कितना हो जाएगा, 128.75। क्लियर फ्रेंड्स? तो इंसोड यानी डब्ल्यू दिया है, तो आपको सिग्मा आई डब्ल्यू वाली फॉर्मूला जो है आपको लगाना पड़ेगा। 1.4 का सेकंड सम है, फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर 2014 बाय द मेथड ऑफ फैमिली बजट। फैमिली बजट का मेथड का उपयोग करना है फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे इसको कैसे इंडिकेट करते हो बताता हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए 2010 जो है पुराना वर्ष है ओके, 2014 उसकी कंपेरेटिवली नया वर्ष है। तो 2010 सॉरी पुराना वर्ष है, तो इसकी क्वांटिटी हो जाएगी Q0, इसकी प्राइस हो जाएगी P0। 2014 इसकी कंपेरेटिवली नया वर्ष है, तो इसको हम दर्शाएंगे P1 से, इसको P1 से डिनोट करेंगे। तो किसको कैसे डिनोट करते हैं वो भी याद रखिएगा फ्रेंड्स ओके। तो यहां पे हमको I और W निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बताया आई का फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100 और W बराबर होता है P0 इंटू Q0। तो पहले क्या करेंगे, देखिए 18 डिवाइडेड बाय 15, P1 है आपका 18, P0 आपका 15 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना है 120। P0 आपका 40, P1 है आपका 40, P0 32 डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100 125। P1 है 14, P0 है 12 मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ P1 है 70, P0 है 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 140। W मीन्स P0 Q0, यानी P0 और Q0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमको फ्रेंड्स, याद रखना P0 Q0 यानी P0 Q0 को मल्टीप्लाई करना। तो 60 इंटू 15 900, 14 इंटू 32 1280, 15 इंटू 12 180, 25 इंटू 50 1250, इसका टोटल कर लिया। नाउ आई डब्ल्यू यानी आई और डब्ल्यू दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी 900 इंटू 120 तो कितना आएगा 1,08,000, 1,280 मल्टीप्लाई बाय 125 ये आएगा 1,60,000, 180 इंटू 160.67, 140 इंटू 1,250 ये आया, इसका टोटल कर लिया। इतना ख्याल आया फ्रेंड्स? अब हम फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे। आपका ये फॉर्मूला है, आई थिंक अब तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा, आई हैव रिपीटेड इट मैनी टाइम्स। तो सिग्मा आई डब्ल्यू आपका ये रहा 4,64,000.6 डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू ये रहा फ्रेंड 3,610, तो आएगा 128.5। आई एम श्योर आपको दिमाग में आ रहा होगा फ्रेंड्स, सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, एकदम लॉलीपॉप लग रहा होगा आप लोगों को। तो जो हमारा करंट ईयर में इंडेक्स नंबर आया 128.53, तो हमसे अगर पूछा है कितना राइज हुआ, तो क्या करते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू कि जो बेज ईयर है उसका इंडेक्स हम 100 लेते हैं, तो जो भी करंट जो हमने अभी इंडेक्स निकाला उसमें से 100 को क्या करेंगे, ऑमिट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना मिलेगा आपको 28.53, यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग में 28.53 की का इंक्रीज हुआ, ऐसा हम लिख सकते हैं ओके। 1.3 का थर्ड सम है, फाइंड द लास्ट ईयर पासे एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014। तो सम में सबसे पहले फ्रेंड्स P1 P0 Q1 Q0 ये डिसाइड करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल एडवाइस यू कि सम देख के बिल्कुल उतावर मत कीजिए,
P1, P0, Q1, Q0 इसको डिसाइड करिए, और हमको टेबल जिस फॉर्म में दिया उसी उसी नंबर उसी सीरीज में हम लोग लिखेंगे। जो आप प्राइस क्वांटिटी आपको जिस तरह से लिखी उसी तरह से लिखिए, तो क्या एरर के चांस कम रहते हैं। नाउ 2014 बेस ईयर है, तो इसकी क्वांटिटी Q0, बेस ईयर का प्राइस P0। 2015 करंट ईयर है, इसकी क्वांटिटी होगी Q1 और प्राइस होगी P1। क्लियर फ्रेंड्स? तो किसको किससे डिनोट करते हो आपको दिमाग में रखना है। तो पहले देखिए फ्रेंड्स, हमको जो डेटा दिया था वो हमने लिख दिया है। फिर इसके बाद ये ऊपर जो लिखा हुआ है P1 Q0, P0 Q1, P1 Q1, इसको इसी सीक्वेंस में लिखने का, सीक्वेंस आगे पीछे मत करिए। बिकॉज P1 Q0 upon P0 Q0 कर दूंगा मैं तो लास्ट पेयर का फॉर्मूला मिल जाएगा, P1 Q1 upon P0 Q1 कर दूंगा तो पासी का फॉर्मूला मिल जाएगा, यानी चीजें आसान हो जाती फ्रेंड्स। ओके, तो इस सीक्वेंस को भी याद रखना है, डोंट ट्राई टू चेंज द सीक्वेंस। क्या किया देखो, P1 Q0 यानी P1 ये है आपका और Q0 ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 18 × 20 इन दोनों को मैंने किया, 18 × 20 कितना हुआ 360, इस तरह से मल्टीप्लाई करें, 10 × 31.25, 10 × 29.25 यानी 295, 30 × 6 ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड 180, 15 × 25 375, 18 × 28.8 518.4, इसका टोटल कर लेंगे, टोटल एक साथ करेंगे कोई चिंतावन नहीं है। P0 Q0 मतलब P0 × Q0 ये याद रखिए। तो देखिए 15 × 20 300, 20 × 10 200, 26.5 × 10 265, 24.8 × 6, 21.25 × 15, 21 × 18, इसका टोटल कर लिया। ओके, P1 Q1 मीन्स P1 × Q1, तो देखिए P1 और Q1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम आपस में, तो 18 × 30 540, 31.25 × 15, इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे एक एक करके। क्या करना है आपको ख्याल आ ही रहा होगा, P0 Q1 मीन्स P0 × Q1। ओके, तो P0 ये रहा और Q1 ये रहा, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ना सबसे पहले होगा 15 × 30 450, 20 × 15 300, 26.5 × 15 397.5, 24.8 × 8 198.4, 21.25 × ओके फ्रेंड्स, तो इसका हमने टोटल कर लिया है। तो यहां तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। अब हम जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आई सजेस्ट यू फ्रेंड्स कि आप 2-3 बार लिख लीजिए, काफी आसान होगा, इट्स नॉट डिफिकल्ट। पहले हम लास्ट पेयर का इंडेक्स निकालते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है, सिग्मा P1 Q0 upon P0 Q0 × 100, तो 2040.9 डिवाइडेड बाय 1610.55 कितना आया 126.72। फिर पासे का निकालेंगे फ्रेंड, सी हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, 3180.25 डिवाइडेड बाय 2507.15, ये आ गया पासे का। इसके बाद फिशर का इंडेक्स निकालेंगे, तो फिशर का जो इंडेक्स है लास्ट ईयर और पासे के इंडेक्स का क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन होता है। तो यहाँ हम लास्ट ईयर का इंडेक्स नंबर लिखा ये हमने, और ये जो है ये पासे का, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी ये है हमारा फिशर का इंडेक्स नंबर। ओके फ्रेंड्स, फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब ये वर्ड को याद रखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको थियरी बताया था आइडियल इंडेक्स नंबर, तो आइडियल इंडेक्स नंबर कौन सा होता है, फिशर का इंडेक्स नंबर।
यानी इनडायरेक्टली आपको कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर. ओके, तो ये देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. एवरीथिंग शुड बी क्लियर इन माइंड कि आइडियल इंडेक्स नंबर कौन सा होता है, फिशर का, यानी हमको फिशर का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है. ओके, तो हमने पूरा लिख दिया उसमें P1, Q0, P0, Q0 ये सब आपको डिसाइड कर लेना है. फिर ये हम चारों इसी सीक्वेंस में लिखेंगे P1, Q0, P0, Q1, P1, Q1, P0, Q1. ओके, P1, Q0 यानी P1 ये आपका P1 है और ये Q1 है. P1 और Q0 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 10 = 200, 24 × 9 = 216, 16 × 40 = 640. टोटल किया P0, Q0 यानी P0 ये आपका P0 है और ये है Q0, दोनों को मल्टीप्लाई करो 16 × 10 = 160, 20 × 9 = 180, 32 × 16 = 512. ओके, P1, Q1 यानी P1 × Q1 यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना. ये तो आपको आ गया होगा फ्रेंड्स, 20 × 11 = 220, 24 × 9 = 216, 40 × 17 = 680. टोटल कर लेंगे P0, Q1 यानी P0 × Q1 मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 11 = 176, 20 × 9 = 180, 32 × 17 = 544. टोटल कर लेंगे. अब हमको निकालना है आइडियल इंडेक्स नंबर, यानी हमको फिशर का इंडेक्स नंबर इसमें निकालना है. तो हमारा फॉर्मूला ये इस ढंग से आप लिख सकते हो, इसमें वैल्यू रख देंगे P1, Q0 है आपका 1056, σP0, Q0 आपका 852, σP1, Q1 कितना है आपका 1116 और σP0, Q1 है 900 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो आपका फिशर का इंडेक्स आ जाएगा, ख्याल आ रहा होगा आपको, 123.97. यहाँ क्या किया पहले हमने देखे फ्रेंड्स, यहाँ पे 1056 को 852 से डिवाइड किया तो इतना आया, 1116 को 900 से डिवाइड किया तो इतना आया. फिर अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 1.5369. 1.5369 का निकालेंगे स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 100. तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स कंपैरिजन करने को कहा जाए तो कंपैरिजन करना हो तो जो बेस ईयर है उसका इंडेक्स नंबर हम ऑलवेज लेते हैं 100. तो जो हमारा अभी इंडेक्स नंबर आया उसमें से 100 को ऑमिट कर देंगे, हमको मिलेगा 23.97, यानी इतने का प्राइस में राइज हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है. ओके, अगर कंपैरिजन करना हो तो ये हमको लिखना पड़ता है. फाइंड द पासेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर ऑफ 2014. ओके, तो देखिए ये 2014 का प्राइस हो जाएगा P0, 2015 का प्राइस हो जाएगा P1. क्लियर, बिकॉज 2014 इज बेस ईयर एंड 2015 इज करंट ईयर. अब यहां पे क्या दिया हमको, टोटल एक्सपेंडिचर, और जबकि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्वांटिटी, जबकि उसके बदले दिया है उन्होंने टोटल एक्सपेंडिचर. तो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है इसपे से हम निकालेंगे क्वांटिटी. कैसे निकालते हैं, आई विल शो यू एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल मार्कर पेन ले रहा है, मार्कर पेन है और उसकी प्राइस है 25 रुपीस. एक मार्कर पेन की कीमत है 25 रुपीस. तो सपोज मैंने 10 मार्कर पेन लिए, प्राइस हुआ 25, यानी टोटल एक्सपेंडिचर हुआ मेरा 250. 250 क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर. अब इस टोटल एक्सपेंडिचर में अगर मैं क्वांटिटी से भाग दूं, डिवाइड करूं, तो मुझको क्या मिलेगा, प्राइस. ओके, इस तरह से हम प्राइस और क्वांटिटी निकाल सकते हैं. यहां देखिए फ्रेंड्स, P0 और P1 मैंने आपको डिनोट कर दिया था. यहां ए आइटम के लिए टोटल एक्सपेंडिचर था 400,
तो उसको हम क्या करेंगे, प्राइस से डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी मिलेगी कि हमको कितनी आइटम मिली, 4। या टोटल एक्सपेंडिचर था 500 और हमने उसको डिवाइड किया प्राइस से तो हमको मिला क्वांटिटी 5। या टोटल एक्सपेंडिचर था 600 और उसको हमने प्राइस से डिवाइड किया तो हमको क्वांटिटी मिली 4। यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर को अगर आप प्राइस से डिवाइड करोगे तो क्वांटिटी मिलेगी, और अगर टोटल एक्सपेंडिचर को क्वालिटी से डिवाइड करोगे तो प्राइस मिलेगी। ओके, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, कॉमन सेंस की बात है। ओके, आपको दिमाग में आ गया होगा। इसी तरह यहाँ पे हमने क्वांटिटी निकालने के लिए क्या किया, जो टोटल एक्सपेंडिचर था 720 उसको प्राइस से डिवाइड किया 120 से। यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर था 600 उसको प्राइस से डिवाइड किया 120 से। और उसके बाद ये चारों हम निकालते हैं सिक्वेंस में, P1Q0, P0Q1, P1Q1, P0Q1। तो देखो P1Q0 यानी ये P1 और ये Q0 4, 120 × 4, 120 × 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फ्रेंड्स तो कितना आया 600, 116 × 4, 840, 200 × 6, 1200, 300 × 4, 1200, टोटल कर लिया। इसी तरह P0Q0, P1Q1 और P0Q1 की प्राइस जो वैल्यू से हम निकाल लेते हैं। ओके, ये मैं आपको बता चुका हूं कि हाउ टू फाइंड आउट दीज वैल्यूज। फिर इसको निकाल के हम इसका टोटल करते हैं और फॉर्मूला में वैल्यू निकाल रखते हैं। हमको लास्ट ईयर का फॉर्मूला निकालना है, लास्ट ईयर की इंडेक्स निकालना है। ये फॉर्मूला है σP1Q0, σP0Q0 × 100। तो P1Q0 4120, P0Q0 3580 × 100 कितना है, 115.08। लास्ट ईयर का इंडेक्स हुआ 115.08। पास से का निकालेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला है। σP1Q1 कितना है 4320, σP0Q0 कितना है 3750 × 100, ये आएगा 115.2। अब फिशर का निकालेंगे, फिशर्स का फॉर्मूला IF = √IL × IP। IL और IP की अपने वैल्यू रखेंगे 115.08 × 115.20, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको वैल्यू मिलेगी। अब इसका निकालेंगे हम स्क्वायर रूट तो आएगा 115.14। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे खाली यही चीज याद रखना है कि टोटल एक्सपेंडिचर से प्राइस और क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। ओके, तो जनरली बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है फ्रेंड्स कि आप डिस्टिंगाइज नहीं कर पाते हो। आप बहुत से फ्रेंड्स को मैंने देखा है, बहुत से स्टूडेंट्स को, कि ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है इसको ही वो क्वांटिटी दर्शा के चले आते हैं। सो दे आर कमिटिंग अ मिस्टेक। सो आई विल एडवाइस यू टू रीड द टोटल सम थॉरली। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट सम देखते हैं फ्रेंड्स। ये अगला सम है हमारा, ये देखते जाइए आप। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आपको ये जो हमारा वीडियो है पूरी तरह से काफी अच्छी तरह से पसंद आया होगा। आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द थियरीज एंड द सम्स इन अ परफेक्ट वे। आई थिंक आई होप ईच एंड एवरी क्लियर पॉइंट इज क्लियर इन योर माइंड। बट एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल हम्बली रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। सेव कर दे।